को प्रकट करता है। इस सारे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई को इस पूरे मामले को लेकर के जहां हम सबको श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे और प्रत्येक वार्ड में सरकार को जागृत करने और सरकार के धिक्कार के लिए प्रत्येक वार्ड में जयपुर के में हम धरने का कार्यक्रम करेंगे। पीड़ितों को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो, इस कार्यक्रम के तहत हम 13 तारीख को 11 से 12 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ, जहां जहां बम ब्लास्ट हुए थे, प्लस प्रत्येक वार्ड में एक संगोष्ठी टाइप कर और जागरूकता पैदा करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री जो है 10 मई को आ रहे हैं राजस्थान और उनके दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज कर्नाटक से वापस प्रदेश लौटेंगे और सुबह 11 बजे बताया जा रहा है बेंगलुरु से जयपुर पहुंचने के बाद 2 बजे राजसमंद पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर बकायदा उनकी बैठक है। शाम 6 बजे आबू रोड पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को चुनावी श्रृंखला करने के आ रहे हैं और इसको लेकर जमीन तैयार करने की लगातार बीजेपी संगठन की कोशिश। बकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज कर्नाटक दौरे के बाद जयपुर लौट रहे हैं 11 बजे और दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है राजसमंद पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां लेंगे और साथ ही जो सभा स्थल है वहां जाकर निरीक्षण करेंगे। महत्वपूर्ण होगा क्या निर्देश यहां पर बैठक जो शाम 6 बजे आबू रोड पर होने वाली है कार्यकर्ताओं को दी जानी है सीपी जोशी की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर बीजेपी जाहिर तौर पर उसे सफल बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पहुंचने का आह्वान यहां पर सीपी जोशी की तरफ से होगा। जमीन पर जाकर खुद तैयारी का जायजा आज लेने जा रहे हैं सीपी जोशी। राजसमंद में चुकी अपने दर्शकों को बता रही कि 10 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। तो कर्नाटक के बाद अब पूरा बीजेपी का फोकस राजस्थान पर। अल्केश हमारे संवाददाता राजसमंद से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अल्केश, आज खुद सीपी जोशी पहुंचेंगे, पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा लेंगे, कहां कहां पहुंचने का और किस तरह से तैयारियों का जायजा लेने का उनका कार्यक्रम आज रहेगा? मैं आपको बता दूं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो राजसमंद दौरे पर रहेंगे और भाजपा जिला कार्य समिति की जो बैठक है उस बैठक में वो शिरकत करेंगे। इस बैठक में जो सांसद है, विधायक है, संसद जो जिला संसद प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है और पार्टी के पदाधिकारी है, वो सब शिरकत करेंगे। बड़ी बात यहाँ पर ये जो निकल के सामने आ रही है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नाथा द्वारा दौरे पर आएंगे, तो इस दौरे की तैयारियों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। अब भाजपा की ओर से भी इस दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भाजपा के एक डेलीगेशन ने नाथा द्वारा के जो दामोदर दास स्टेडियम है, जहाँ पर हो सकता है कि पीएम मोदी की सभा वहां करवाई जाए, उसका भी तैयारियां को जायजा लिया था। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि पीएम मोदी के विजिट को लेकर अब बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की जानी है। तो आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है? क्या रोड शो भी यहाँ पर निकाला जाएगा या जनसभा होगी? पीएम मोदी के अगर नाथद्वारा दौरे की बात की जाए तो पीएम मोदी नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और यहाँ दर्शन करने के बाद जो सभा स्थल तक पीएम मोदी जो जाएंगे तो वो रोड शो के जरिए पीएम मोदी वहां पर जाएंगे। तो ऐसे में ये तय है कि पीएम मोदी नाथद्वारा में रोड शो करेंगे। और वहीं बहुत बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी जो नाथद्वारा आ रहे हैं तो वो मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन जो योजना है, तो बहुत बहुप्रतीक्षित योजना थी और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही जो प्रांत है उनके लिए बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि इस आमान परिवर्तन को किया जाए। पीएम मोदी के ने जो बजट में इसके लिए फंड आवंटित किया है, तो पीएम मोदी उस जो निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। ऐसे में ये बहुत बड़ा मतलब कि दोनों ही मेवाड़ और मारवाड़ के लिए जो ब्रोडगेज का काम शुरू होगा, बहुत बड़ी चुनावी मायने भी निकाले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी सौगात मावेड़ के लोगों को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अजमेर में महंगाई शिविर कैंप का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। सीएम गहलोत ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित